नमस्कार दोस्तों और सब वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 4th of April। आज थोड़ा व्लॉगिंग कम करेंगे क्योंकि अब पढ़ाई शुरू कर देते हैं भाई साहब। एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट हैं, 3 में तो पास हो जाऊं यार, 2 में बैक लगेगा तो निपटा सकते हैं, अगर ज़्यादा में लग गया बैक ना तो फिर। आज हमने डिसाइड किया है लॉ ऑफ टॉट्स की किताब साथ में लाए थे हम, तो लॉ ऑफ टॉट्स आज पढ़ेंगे। और दिक्कत ये आ रही है कि जुरिसप्रूडेंस का एग्ज़ाम 19 अप्रैल को है और 19 अप्रैल को ही स्मार्ट जोड़ी का शूट भी है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सो आई लव दिस कॉफ़ी, ये लवाजा कॉफ़ी होती है। तो भाई इस कॉफ़ी का फंडा क्या, इसमें कॉफ़ी पानी डाल दो, फिर ऊपर से ये डालो, फिर ये है ना इसको नीचे करते रहो तो कॉफ़ी ऊपर आ जाएगी और जो सेडिमेंट्स हैं वो ऐसे नीचे आ जाते हैं। चलो भाई नवरात्रों में माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं। पहला दिन है, किताब खोल रहे हैं आज। हमारे प्रोफेसर कहते हैं दुखी से नहीं पढ़ना चाहिए, गाइड ये, मैं व्लॉग में भी सीख रहा हूं। क्या करें सर, टाइम ही नहीं है। हेलो, मेरे ऊपर गिरती चाय। पापा यहाँ छुपे हुए थे, आपको नहीं पता चला? क्योंकि मैं आपके साथ खेलता हूँ। मैं रोज करा करूंगा। पहले मैं वहां छुपा था ना, एक दिन याद करो, मैं वहां फंस गया था, इसलिए मैं यहाँ छुपा हूँ। जय माता दी, जय भाभी। पापा का एग्जाम है आज, रूम में शोर कोई नहीं करेगा, पापा फेल हो जाएंगे। भाई सुन मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो एक्सीडेंट मिल गया, और पापा को एक्सीडेंट नहीं मिलेगा तो पापा को पता स्कूल से निकाल देंगे भाई। हाँ। पापा भाई मैं यही करूँगा भाई, मेरा भी रुतो रूम है। देखो क्या बच्चे पैदा किए आपने अपने। ये वाला बटर चेहरे पे लगा रही है, ये बेटा खाने का होता है, इसका लगाने का थोड़ी ना जान। शोर देखो, बहुत अच्छा बनाया मेरी जान। पापा को पढ़ने दो, इनका मेरे को पहले डर लग रहा है। वीडियो ना सकते दिखा था ना, इसकी लाइट आई थी ना। पता नहीं भाई क्या होगा। गाना बताऊं तुम्हें, गाना 4:30 इन द इवनिंग। पीयू और मैं, मम्मा की व्रत वाली थाली आ चुकी, तो प्यारा खाना काफी रिस्ट्रिक्टेड हो गया, बट इट इज फाइन। यहाँ पे नवरात्रि की फास्ट वाली थाली बहुत कम लोग देते हैं, कल एक अच्छी जगह से मंगाई थी, लेकिन आज देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं कि ऋतु की व्रत वाली थाली में क्या क्या है। जय माता। आप तो कहते हो दिन में एक बार नमक खाना है, पीयू तो 3 से 5 महीने से नमक ही नहीं चखा। पीयू का भी फास्ट है, बट पीयू इज ओनली ऑन दूध डाइट। दूध डाइट इज द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस। कितनी पढ़ाई हो गई आपकी हैं? कितनी हो गई? इतनी पढ़ ली है, इतनी बची हुई है, एक सब्जेक्ट ऐसे 5 सब्जेक्ट है। लेकिन बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है आज की भाई, अगले सेमेस्टर से रोज 1 घंटा पढ़ेंगे, आखिर दिन नहीं बैठेंगे भाई। जी सिर्फ ना पेपर के टाइम जाते, पेपर हो जाते यार। बिल्कुल आईटी में ऐसे ही होता था यार। लेकिन एक डिफरेंस आईटी में है, जैसे अभी क्या आईटी में इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो बीम का स्ट्रक्चर, बीम का स्ट्रेंथ, तो वो बीम का स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, पढ़ने मजा भी आ रहा है, लेकिन उसके प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेबिलिटी हमारी लाइफ में वो समझ, क्योंकि यार वो तो तब जब आप ब्रिज बनाओगे उसका एक बहुत बड़ा पार्ट का वो पढ़ रहे हो, तो बट ये जो पढ़ रहे हो ना इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी लाइफ में दिखती है, तो वो डिफरेंस है। सो मेरा भी मील आ चुका है, दिस इज माय मील, आई एम हैविंग योगर्ट। कम इन, कम इन। हु इज देयर? रूम सर्विस। हम डंडे पड़ेंगे रूम सर्विस। अब अगर बाहर गई मैं खोलू मारी कि रूम सर्विस करती रहना। चाय रेडी भाई, पढ़ाई का तो हाल पूछो ही ना, रशी ने पानी में गिरा दिया। तो पेज नंबर 40 पे आ चुके हैं, यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि इस किताब में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे होगा। लेकिन अच्छी बात यह कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स है, और सिर्फ एग्जाम्स ही हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं है। सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट भी सबमिट करने पड़ जाएंगे। हम इंजीनियरिंग की हालत मुझे अभी तक याद है, टेपा टेपी करके प्रोजेक्ट सबमिट करते थे। बढ़िया इलायची खुशबू आ रही है। अब चाय है, सबको अलग अलग पसंद है, किसी को इलायची, किसी को अदरक, किसी को लौंग, किसी को मसाला, किसी को कम दूध, किसी को ज्यादा दूध, किसी को कड़क, किसी को नरम, क्योंकि भाई जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट उसको वैसा सामान। ऐसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपके अलग अलग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, आपका अलग रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज हो सकती हैं। इसीलिए आप सजेस्ट करूंगा आपको, मैं ईटी मनी ने लॉन्च किया है ईटी मनी जीनियस, जो कि एक मेंबरशिप प्लान है। और वैसे भी आजकल हमारा यूथ सेवर से इन्वेस्टर बनना, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग के, आपके अपने कॉलेज के, हम लोग क्या आदत है टापने के, वैसे भी किसी का अपने दोस्त का इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेंगे
भाई तूने किया मैं भी टॉप देता हूँ। तो एटी मनी जीनियस आपको देता है आपका पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट प्लान आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से। और इस प्लान में आपको मिलती है स्ट्रेटजीज जिसमें मेनली चार चीजें होती हैं, इंडियन इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड एंड डेट। आपको वो जीपीएस की तरह 24 घंटे 365 दिन आपके गोल्स को ट्रैक करेगा ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सके मार्केट में मिनिमम रिस्क के साथ। इसी तरीके से इंश्योर करता है कि आपका जो पोर्टफोलियो विच इज बेस्ट फॉर द करंट मार्केट कंडीशन। अगर आपको बनना है जीनियस तो आपको पता है क्या करना है, नीचे छोड़ रहा हूं मैं ईटी मनी ऐप का लिंक, क्लिक द लिंक एंड डाउनलोड द ईटी मनी ऐप नाउ। आप बैठो ना, तुम बोलने का मीटर डालो। एक पीयू का एक हां। रशीना बहुत बोर हो जाती है रूपा के लिए, तो हमने इसमें बहुत सारे गेम्स ले लिए। फिल्म में का बच्चा है ना? हां जी हां जी। ये ऑटो के पास दो दो उसी। आइए क्या जाए। ये चीकू कैसे भाग दिए हैं? पीयू सो गई यार। अकेला आया फिर क्या? 12 दे दो भैया। भैया वो सिर पे बांधने वाली माता रानी की चुन्नी बहुत सारी है, कम से कम 50-60 है क्योंकि उन्होंने चुन्नी कहीं रख दी और मिल नहीं रही है। कहाँ रख दी आंटी? बच्चे लोग वैसे भी सारी चीज़ें घर से घर ही कर देते हैं, नहीं मिलता मुझे भी नहीं मिलता, ये डेली डेली कुछ ना कुछ घुमा देती है। अच्छा तुम घुमाते नहीं हो? सारा मेकअप घुमा दिया मेरा, सारी ज्वेलरी घुमा दी मेरी। हेलो आंटी ने तो पिटाई लगा दी अंकल की डंडे से, वो भी दो चार डंडे फेंक दिए, पता नहीं क्यों देख क्या दारू पीते हैं इसलिए। क्या भाई मिल गया क्या बात है थैंक यू। हाँ दारू पी के आया ये, इसलिए उसकी बीवी उसकी पिटाई करी है डंडे से। दो चार दो मेरी तरफ से भी लगाना दीदी, लगा दो मेरी तरफ से। अरे अरे ये तो ज़्यादा ही हो। अरे भैया जाओ के छुड़वाओ ना, हैं दीदी जाके छुड़वाओ ना। नहीं नहीं वो लोग भी जीतने वाले, वो कुछ नहीं, वो दारू पी के आता होगा वो। हेलो भाई पुलिस आ गई, अब तो दारू पिएगा तो पिटाई तो खाएगा ही ना भाई। सुनी बे को रसिया राम लखन सी। भैया जो आपने हनुमान चालीसा सुनाई मजे कर दिए, धन्यवाद। चलो भाई प्यारी मेरी मदद कर दे क्योंकि मेरे हाथ में पी हुआ है। हमने तो खूब मजे आया, बहुत अच्छी थी। आप यू मार्केट बहुत बढ़िया थी होता। लाओ 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 आप ही लाओ। कमरे की हालत देख लो, समझ नहीं पा रही ये क्या कर रही है इनके टेबल पे। मेरे को बिल्कुल क्लीन चाहिए। वर्कआउट इज कम्प्लीट, नाइन आई इज कम्प्लीट। फास्ट वाला खाना वर्कआउट उतना हो नहीं पाया क्योंकि सुबह से फास्ट था तो वेट उठ नहीं रहा था, अभी आ चुका है फास्टिंग वाला खाना, रितु की फ्रेंड ने भिजवाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, व्लॉग को करते हैं समाप्त, आपसे मिलेंगे हम कल। अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करके जाएं।